हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं प्लानिंग ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के बारे में। अब सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके लिए ये पहले जानना जरूरी है। देखिए, जब हम सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो मेनली ये किसके ऊपर रिलाई करता है, आपके टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर या फिर जो भी आपकी प्रपोज साइट है वहाँ पे आपके स्ट्रेटा का वेरिएशन क्या है। ठीक है, अगर स्ट्रेटा का वेरिएशन होगा तो कंस्ट्रक्शन में भी चेंजेस आएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है कि अलग अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन तो अलग अलग टाइप का सॉइल का एक्सप्लोरेशन, और अगर अलग अलग वेरिएशन हो रहा है स्ट्रेटा वाइज में अगर बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे अलग इकोनॉमी इन्वेस्ट होगी। समझने की कोशिश करिएगा भाई, हमें एट द एंड क्या करना है, सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करना है। और अगर सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करना है तो हमें एक तो सॉइल की कंडीशन होगी, उसके वेरिएशन की कंडीशन होगी, प्लस हमारे स्ट्रक्चर की। भाई अगर नॉर्मल रेजिडेंशियल है, घर है, एक सिंगलेक्स है या फिर डुप्लेक्स है तो वहाँ पे अलग चीज़ें लगती हैं। अगर वहीं पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो वहाँ पे सॉइल एक्सप्लोरेशन एक अलग एक्सटेंट पे रहेगा। तो यहाँ पे मेरी क्या होंगी, चीज़ें चेंज होंगी, वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट ज़्यादा होंगे। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की प्लानिंग जो होती है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो बजाय इसके ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है या फिर आपके अंदर इंजीनियरिंग जजमेंट कितना है चीज़ों को समझने के लिए। कई बार क्या होता है, सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की प्लानिंग को आप 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हो। पहला रिकनेंस, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन और तीसरा डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। अब ये क्या होता है, रिकनेंस की मैं बात करूँ, प्रिलिमिनरी की बात करूँ, डिटेल की बारे में बात करूँ, तो क्या होता है समझने की कोशिश करता हूँ। जब हम रिकनेंस की बात करते हैं तो ये बेसिकली ये सॉइल एक्सप्लोरेशन के अंदर रिकनेंस एक फर्स्ट स्टेप होती है, जो कि क्या इंक्लूड करती है कि जब आप मैप की स्टडी करते हो, है ना, जहाँ पे भी आपको काम करना है उस एरिया का आप क्या लेते हो, मैप लेते हो, वहाँ स्टडी करते हो और फिर आप क्या करते हो, विजिट करते हो साइट की और उसके अलावा जो भी रिलेवेंट रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में आप बात करते हो। रिकनेंस जो है वो हेल्प करता है आपको डिसाइड करने के लिए कि जो भी आपका फ्यूचर प्रोग्राम, जो कि साइट इन्वेस्टिगेशन का या फिर स्कोप ऑफ वर्क का, एक्सप्लोरेशन मेथड जो भी आप ऑप्ट करने वाले हो या फिर किस टाइप का टाइप ऑफ सैंपल लेना चाह रहे हो, लेबोरेटरी में क्या काम करने चाह रहे हो, तो ये आपको हेल्प करता है रिकनेंस डिसाइड करने पे ये अलग अलग वर्क्स को। तो बेसिकली जब हम रिकनेंस की बात करेंगे सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के प्लानिंग के पहले स्टेज की, तो रिकनेंस होगी और ये फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरी जो आपकी स्टेप होती है वो क्या होती है, प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन होती है। और इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या, कि यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि क्या डेप्थ होगी, क्या थिकनेस होगी, क्या एक्सटेंट होगा, क्या कंपोजिशन होगा और सॉइल का स्ट्रेटम क्या है साइट के अंदर। ठीक है, अलग अलग सॉइल का स्ट्रेटा है तो अलग अलग सॉइल की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अलग अलग स्ट्रेटा है तो उसकी क्या थिकनेस होगी, क्या डेप्थ होगी, क्या कितना एक्सटेंट होगा, क्या कंपोजिशन होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन के अंदर। और साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर टेबल की जो डेप्थ है और या फिर जो बेड रॉक है वो भी स्पेसिफाई कहाँ पे होगा, प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन के अंदर होगा। जनरली प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन के अंदर बहुत सारे टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बोरिंग का हो गया या फिर टेस्ट पिट्स हम बनाते हैं, ट्रेंचेस या पिट्स के फॉर्म में बनाते हैं, वहाँ पे आप कोन पेनेट्रोमीटर यूज़ करते हो, साउंडिंग रॉड यूज़ करते हो, ताकि आप सॉइल की जो स्ट्रेंथ है या कंप्रेसिबिलिटी उनकी इन्फॉर्मेशन आप निकाल पाओ। ज़्यादातर प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन के अंदर आप क्या करते हो, जियो फिजिकल मेथड को भी आप यूज़ करते हो, जो कि अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे आपके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा पे काम वो करता है। जैसे ही आपने रिकनेंस या फिर प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन कर लिया, उसके बाद आता है आपका डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। और इस डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन के एम की बात करें तो ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है क्या, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को, जो कि अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटा में है। ये भी इंक्लूड करता है आपका एक्सटेंसिव बोरिंग प्रोग्राम, सैम्पलिंग, टेस्टिंग ऑफ द सैम्पल इन अ लेबोरेटरी, ये चीज़ भी ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। इसके अंदर और भी टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्लेट लोड टेस्ट हो गया, परमिएबिलिटी टेस्ट हो गया, वेन शेयर टेस्ट हो गया, जिससे कि इन टेस्टों को करने से बेसिकली क्या कर रहे हो, आप सॉइल के प्रॉपर्टीज को जान रहे हो, स्टेबलाइज कर रहे हो, नेचुरल स्टेट उसका कंडीशन ला रहे हो। ठीक है,
उसके साथ साथ और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे कि इन टेस्ट के बेसिस पे क्या मदद आपको मिल रही है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है डिटेल एक्सप्लोरेशन करना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो होते हैं, जहाँ पे बहुत हैवी लोड्स आते हैं, जहाँ पे ब्रिजेज हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, डैम है, तो वहाँ पे ये आपके मदद करते हैं। जनरली आप डिटेल एक्सप्लोरेशन छोटे प्रोजेक्ट्स में करते भी नहीं हो, ये बड़े प्रोजेक्ट्स में ही होते हैं, जहाँ पे आपके स्ट्रेटास वेरिएशन में देखे जा रहे होते हैं। तो आई होप आपको उस प्लानिंग के बारे में पता चला होगा आज के इस लेक्चर में, कि क्या प्लानिंग होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, और कैसे प्लानिंग इस प्रोग्राम के अंदर जो प्लानिंग है, कितने स्टेज में आपने इसको बाइफर्केट किया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।